आज हम चाइना के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वैसे ही चाइना बड़ा फेमस है कोरोना और बाकी चीजों के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि चाइना और भी बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है और उसमें से सबसे ज्यादा आता है कॉपी करने में, यानी कि नकली चीजें बनाने में। आपको ओरियो बिस्किट तो काफी अच्छे से पता होगा, बहुत लोगों का मनपसंद बिस्किट भी होगा। इस कंपनी को आए हुए 100 साल हो गए हैं पर आज तक इसकी कॉपी नहीं हुई थी, सिर्फ चाइना ने इसकी हूबहू कॉपी की, ओरियो को बोरियो कर दिया और प्रोडक्ट रेडी। यहाँ के अंदर की बिस्किट का डिजाइन भी नहीं बदला, हूबहू सेम, और पूरे देश में इसकी बिक्री भी धड़ल्ले से करते हैं। एडिडास का एबिबास सिर्फ चाइना ही करता है और दुनिया में हर जगह नकली शूज का एक्सपोर्ट भी चाइना ही करता है। जो एक कमरे से निकलकर दुनिया में एडिडास ब्रांड फेमस हुआ था उसको भी चाइना ने नहीं छोड़ा। मास्टर कार्ड जो फाइनेंस प्रोवाइड सर्विस के लिए जाना जाता है तो उसे यूज नहीं किया जा सकता, तो मास्टर कार्ड को बदल के मास्टर बीफ कर दिया जिससे ये लोगों को बीफ प्रोवाइड करते हैं। रेंज रोवर तो आपको पता ही होगा, लग्जरियस कार, चाइना वालों ने उसका भी लग्जरी नहीं छोड़ा, उसे भी लैंड विंड नाम से कॉपी कर लिया और देखिए बिल्कुल हूबहू एक जैसा दिखता है, एक कटिंग का भी डिफरेंस नहीं है। पिज्जा लाजवाब होते हैं जिसके कारण पिज्जा हट के 19,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट है पूरी दुनिया में, पर चाइना ने उन्हें अपने देश में आने नहीं दिया और पिज्जा हट को हटाकर खुद का पिज्जा हब बना लिया। KFC के बारे में तो आपने सुना ही होगा, हाँ वही जिसे चिकन फ्राइड खाने के लोग दीवाने हैं, जो एक कोलोनल सैंडर्स नाम के व्यक्ति ने शुरू किया था। 1,000 रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपी रिजेक्ट कर दी थी पर फिर कड़ी मेहनत से उन्होंने अपना एक नाम बनाया और उसे प्रसिद्ध किया, जिसे आप आज KFC के नाम से जानते हैं। पर चाइना ने ये देखा कि ये नाम चल रहा है तो उन्होंने भी खुद का रेस्टोरेंट चैन खोल दिया, KFG नाम का। नाम सेम, काम सेम, लोगो भी बिल्कुल सेम, बस एक लेटर बदल दिया और बन गया रेस्टोरेंट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ, चौकिए मत, चाइना ने इसे भी नहीं छोड़ा। माइक्रोसॉफ्ट का बन गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और काम एकदम हूबहू विंडोज वाले, बिल्कुल मेहनत नहीं करते, जैसे मिला हूबहू उठा के छाप लिया। स्टारबक्स के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो कितना बड़ा कॉफी चेन है दुनिया का और 70 से भी ज्यादा देशों में इस नाम की कॉफी बिकती है, पर चाइना ने इसे भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल इसकी जैसे ही लोगो नाम लेकर फॉर्मेट के साथ अपना कंपनी खोल दी, और वो भी उसको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बोलते हैं जिसका नाम है सनबक्स। ट्रेडमार्क की धजिया उड़ाने में ये माहिर है। नोकिया का फोन, जी हाँ, सबसे मशहूर कंपनी फोन में, जो एक समय में दुनिया में तहलका मचाती थी। एक टाइम था जब फोन मतलब सिर्फ नोकिया हुआ करता था, उसको भी नहीं छोड़ा, उसके नाम का भी नोकला फोन बना दिया, जिसका लोगो ध्यान से देखोगे तो समझ ही नहीं पाओगे फर्क नोकिया और नोकला में।